चलो हाँ, तो ऑयल डालने की मैं बात करूँ तो ये देखो ऑयल डालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप आसानी से ऑयल डाल सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको जो पंप ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। कोई दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वैसे बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको जो अच्छा लगे वही आप ले लीजिएगा। हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ट्रैक्टर से चलने वाले पंप जो बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की बात करूँ तो ये नटराज कंपनी के पंप है। वैसे तो नटराज कंपनी के बहुत सारे पंप आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलते हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मैं वो लेके आया हूँ, 570 और 575। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो आप लगातार वीडियो में बने रहें। हाँ, जिस किसी किसान भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल जाके सब्सक्राइब कर ले। हाँ, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे। हाँ, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं 570 इसमें क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बात करेंगे हम 575 की। किसान भाइयों, अब मॉडल नंबर जो 70 है उसकी अपन बात करते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं दी गई है। इसका RPM देखें तो 800 से 1000 है, और इसकी स्पीड की बात करूँ तो 5 से 60 KG प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका HP देखें तो 5 से 10 होता है। हाँ, इसकी पानी उठाने की क्षमता की बात करूँ तो 10 से 65 प्रति लीटर प्रति मिनट होती है, और इसका वेट आप देख रहे हो 11.5 किलो का यह आता है। हाँ, अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर और जानेंगे इसके बारे में। इसको हम साइड करते हैं। अब हम जानते हैं मॉडल नंबर 575 के बारे में। इसकी जो मैं विशेषताओं के बारे में बात करूँ तो ये भी सेम है। अगर हम देखेंगे स्पीड वही 5 से 60 KG प्रति सेंटीमीटर है, RPM देखेंगे वही 800 से 1000 है, और HP भी वही है। हाँ, तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। उसके हाँ, तो किसान भाइयों, हमने दोनों पंपों का अनबॉक्सिंग कर लिया है, अब जानते हैं इनके बारे में। तो आप जो ये पंप देख रहे हो मॉडल नंबर 75, तो इसमें देखो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक पुली दी गई है जो यहाँ पे लगती है। इसमें 3 आउटपुट पाइप है और ये इनपुट पाइप दी गई है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा कचरा होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसे निकालने के लिए यहाँ पे ये पाइप दी गई है। इसमें 2 ये जाली दी गई है जिससे कचरा अंदर नहीं जाता है। इसके साथ किट है, वाशर है, और इसके साथ एक विशेष एक कीप दी गई है ये ऑयल देने के लिए, और ये इनपुट और एक ये पाइप दी गई है जो 8 से 10 फीट की होती है। और इसकी बात करूँ इसमें भी ये सेम चीज़ है, सेम जाली दी गई है, सेम पाइप दी गई है। हाँ, और बात करें इसे चलाने के लिए आप 3 HP की मोटर भी यूज कर सकते हैं,
और 6.5 से 7.5 तक का इंजन भी यूज कर सकते हैं, उससे अच्छा प्रेशर बनता है। इससे अगर आप कम कल लगाते हैं तो उससे अच्छा प्रेशर नहीं बन पाएगा। इन दोनों की मैं पानी उठाने की क्षमता बात करूं तो 20 फुट से आसानी से पानी उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पंप हैं। ये जो आप देख रहे हो ये दिया गया ऑयल डालने के लिए, आप कम से कम मिनिमम इसमें 1 लीटर ऑयल तो डालिए। और ये 3 जो आप देख रहे हो ये है नोजल, जिसे आप पाइप लगा के आसानी से स्प्रे कर सकते हो। और ये जो इनपुट पाइप है वो यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे वापसी की पाइप लगेगी, जो पानी एक्स्ट्रा होता है उसे बाहर निकालने के लिए। यहाँ कंट्रोल के लिए ये भी दिया गया है और इसमें जो मीटर के है ये भी दिया गया है प्रेशर देखने के लिए। इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बॉडी यूज हुई है, जो बहुत ही अच्छा पंप है। ये भी दोनों सेम है, इसमें बस फर्क ये है, इसमें देखो यहाँ पे जो ऑयल है वो डालने के लिए यहाँ पे देखो ये छिद्र दिए गए हैं। ये जो पंप है इसमें केवल ग्रीस लगता है, ये जो डब्बी दे रखी है इसमें आप आसानी से ग्रीस लगा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार आप साल भर में 1-6 महीने में जितना भी आप लगाना चाहो, अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको जो पंप ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। कोई दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वैसे बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको जो अच्छा लगे वही आप ले लीजिएगा। इन दोनों के बाद डिफरेंस की बात करूँ तो इसमें जो पिस्टन है वो बाहर दिए गए और इसके अंदर पिस्टन है, और पिस्टन के अंदर ऑयल देने के लिए हमें ये कीप दी गई है और इसके अंदर ग्रीस दे सकते हैं। हाँ, जो धूल मिट्टी वाले इलाके हैं उनमें ना ये सबसे बेस्ट है। जो मॉडल नंबर 575 है वो सबसे बेस्ट है वहाँ के लिए, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी उड़ उड़ के यहाँ से जम जाती है और इसमें अपन आसानी से ग्रीस दे सकते हैं और इसमें भी आसानी से ऑयल दे सकते हैं। वो दोनों पंपों में कोई मतलब वो नहीं है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पंप आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हाँ, धन्यवाद।